नए साल से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा उपहार दिया है। आप ये कह लीजिए कि नए साल का उपहार बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिल गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको दे दे, नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा नीतीश सरकार देगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, कई एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी और इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावे तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं, साथ ही साथ कई अलग अलग विभागों के मंत्री भी। और इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला आज नीतीश सरकार ने लिया है वो फैसला है नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मी का दर्जा देने का। देखिए, राज्य में लगभग 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षक हैं और वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि बिहार की नीतीश सरकार कब उनके भाग्य का फैसला करती है, कब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाती है। लेकिन नए साल के आगमन से पहले नीतीश सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों के लगभग 4 लाख शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गया है। बिहार की नीतीश कैबिनेट ने बिहार के 4.25 लाख से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए मोहर लगा दिए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं जिनकी आबादी लगभग 4 लाख के करीब है, आप ये कह लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या, जिसे लोकसभा के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने खुश कर दिया है और नियोजित शिक्षकों की बहुत पहले से ये मांग रही है कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, उन्हें नीतीश कैबिनेट के ओर से इस एजेंडे पर मुहर लगाई जाए कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जो नीतीश कुमार ने आज पूरा कर दिया है कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाकर। 4 लाख की एक बड़ी आबादी और लोकसभा का चुनाव जब आने वाले साल 2024 में है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को गदगद कर दिया है नीतीश सरकार ने। लेकिन आप अगर शिक्षक हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि नीतीश सरकार ने तो कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी है, लेकिन आगे की प्रक्रियाएं आपको पूरी करनी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक मामूली सी परीक्षा जो है वो सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और 3 बार का मौका दिया जाएगा शिक्षकों को। अगर वो इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तब उन्हें नियोजित शिक्षक के बदले अब राज्य कर्मी का, नियमित शिक्षक का दर्जा मिलेगा और एक अच्छी खासी वेतन भी उन्हें मिलने जा रही है। नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे और वो बेहद गदगद हैं, क्योंकि एक बहुत पहले से चली आ रही मांग जिसे नीतीश कुमार ने 2023 के समापन से पहले ही स्वीकार लिया है, बिहार के लगभग 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षकों को दर्जा मिलेगा राज्य कर्मी का और इसके लिए एक सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को पास करनी होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।